क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस जिसका दूसरा नाम पायरिया बोलते हैं, गांव में देसी क्षेत्रों में इसको पायरिया के नाम से बुलाते हैं हम, ठीक है। तो देखो क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया जो होता है, हम ये कब बोलते हैं कि इस पर पेशेंट को पायरिया हो गया है, या पेशेंट अगर आपको कोई डॉक्टर बोलता है कि आपको पायरिया हो गया, तो आपको समझना चाहिए कि क्या है पायरिया, आखिर होता क्या है, या क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस आप किसी पेशेंट को बोलते हो तो होता क्या है। देखो नाम से क्लियर है, दो वर्ड है इसमें, एक है क्रोनिक एक है पेरियोडोंटाइटिस। देखो जो क्रोनिक है मतलब बहुत लंबे समय से है, ठीक है, कोई बीमारी है जो बहुत लंबे समय से है। पेरियोडोंटाइटिस तीन वर्ड से मिला है, पेरियोडोंटाइटिस, पेरियो मीन्स दांत के आसपास का स्ट्रक्चर, डोंट मतलब टूथ, और आइटिस मतलब मैंने आपको पहले बताया है इन्फ्लामेशन को बोलते हैं। तो दांत के आसपास का जो स्ट्रक्चर है, सॉरी दांत के आसपास का जो स्ट्रक्चर है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया। देखो ये हमारा टूथ है, ये नॉर्मल कंडीशन है, जब ये टूथ को पकड़ के रखे हुए टूथ है, ये हमारा दांत के आसपास का स्ट्रक्चर जिसमें हमारा पीडियल फाइबर, जिंजाइवा और एल्विलर बोन आ जाएगा, ठीक है, सीमेंटम वगैरह सब इसी में आएगा। अब क्या हुआ कि जैसे ही इन्फ्लामेशन हुआ दांत के आसपास का स्ट्रक्चर का, तो एक गैप क्रिएट हुआ, आप ये देखो कि एक गैप क्रिएट हुआ है, ठीक है, यही कंडीशन होता है, ठीक है। अब देखो इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीविलेंट फॉर्म ऑफ पेरियोडोंटाइटिस। जब कभी भी आपको पायरिया डॉक्टर बोले तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर पायरिया हुआ कैसे हमको और ये पायरिया होता क्या है। तो देखो पायरिया कुछ भी नहीं, एक बहुत ही प्रीविलेंट फॉर्म होता है, एक क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस जो होता है बहुत प्रीविलेंट फॉर्म है, धीरे धीरे विथ द एज होता है, ये बहुत स्लोली प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है। आप अगर डेंटल स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर में ये नोट्स आता है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, तो आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, उसके बाद इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर, लैब डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, सिस्टोपैथोलॉजी एंड देन ट्रीटमेंट प्लान आपको लिखना पड़ेगा सीक्वेंस वाइज। मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन की बात करता हूँ, तो देखो डेफिनेशन एक एक वर्ड मीनिंग रखता है। आप अगर पायरिया के पेशेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कैसे हुआ है। यह एक इन्फेक्शियस माइक्रोबियल डिजीज होता है दैट रिजल्ट इन द इन्फ्लामेशन विद इन द टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड दैट रिजल्ट इन फाइनली अटैचमेंट लॉस एंड बोन लॉस। अब मैं आपको एक ग्लास के तौर पे, मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाता हूं तो एक चीज बताता हूं उनको, इस ग्लास को मान लो कि आपका जॉ बोन है, इसको मान लो कि ये हमारा टूथ है। कंडीशन क्या हुआ, मैंने आपको पहले बताया कि जब ये कंडीशन था, मान लो ये टूथ है, तो ये ऐसे पकड़ के रखे हुआ था नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में, जब इन्फ्लामेशन हुआ ये दांत मोबाइल हो गया, आपका दांत हिलने लगेगा। अब ये रूट, ये क्राउन है, एक दांत के तीन पार्ट होते हैं आपको पता है, रूट, सीजे और क्राउन, ठीक है, ये सॉरी क्राउन, सीजे और रूट। तो ये क्या होगा कि जनरली क्या होता है, यहां तक ये कवर्ड रहता है, ठीक है, लेकिन जो पेरियोडोंटाइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें अटैचमेंट लॉस और रिसेशन होता है, तो वो ऐसे दिखता है, तो रूट आपको दिखने लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब तो डिफिनेशन आपको पता चल गया, इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि सपोर्टिंग जो टूथ स्ट्रक्चर है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, माइक्रोबियल डिजीज है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको, मैं इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ाने जा रहा हूं, तो आपको प्लाक पता होना चाहिए कि प्लाक होता क्या। देखो प्लाक कुछ भी नहीं, एक थिन बायोफिल्म का लेयर होता है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आकर के कोलोनाइज करते हैं। अब आप क्या करते हो, आपको पायरिया आपको डॉक्टर ने बोला, आप याद करो उस चीज को कि आप कितने दिन पहले आपने मुंह की सफाई नहीं करी। अब जब आप दांतों की सफाई नहीं करते हो, आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हो, तो क्या होता है, एक थिन बायोफिल्म जैसा लेयर जमा होता है उस पर। जैसे ही वो बायोफिल्म जमा होता है उसमें धीरे धीरे विद द टाइम प्राइमरी कोलोनाइजिंग बैक्टीरिया आते हैं, जिसमें स्ट्रिप्टोकोकस के स्पीसीज हो जाएंगे, प्रिवर्टेला के स्पीसीज हो जाएंगे, उसके बाद अदर एक्टिनोमाइसिटीज के स्पीसीज हो जाएंगे, उसके बाद फिर विद द टाइम वो क्या करेंगे, एनारोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और उसमें आ जाएगा हमारा सेकेंडरी कोलोनाइजिंग बैक्टीरिया एग्रीगेटिबैक्टर एक्टिनोमाइसिटम कोमिटेंस। ये पूरे पेरियोडोंटोलॉजी में ये चारों तरफ घूमते रहता है। अब जब आप पायरिया या क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी कोलोनाइजर रिड कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्सेज ऑफ बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं, तो आपको पढ़ लेना प्लाक के चैप्टर से, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद माइक्रोबियल बायोफिल्म जमा हुआ, प्लाक जमा हुआ, प्लाक में क्या हुआ कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, फिर वो धीरे धीरे विद द टाइम कैलकुलस बना, कैलकुलस अब सब सब जिंजावल या सुपरा जिंजावल कैलकुलस हो सकता है, ये सब जिंजावल या सुपरा जिंजावल कैलकुलस बाद में चल करके चूंकि इरिटेट करेंगे तो इन्फ्लामेशन होगा। जिंजाइवा का तीन पार्ट होता है आपको पता है, मैंने आपको लेक्चर जिंजाइवा का लिया है, उसमें आपको बताया था क्लिनिकल फीचर ऑफ जिंजाइवा में,
कि जिंजाइबर नॉर्मली कोरल पिंक कलर का होता है, बट जनरली पिंकिश रेड होता है या रेडिश पिंक होता है जो बाद में वर्ड आता है, वैसा वही मेन फीचर होता है। तो देखो जो जिंजाइबा है पिंकिश कलर का होता है हेल्दी पर्सन में, लेकिन जैसे ही जिंजाइबा इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन का साइन आएगा जिसमें ओडोर, कलर, रूबोर, पैलर एक्सेट्रा होंगे, लॉस ऑफ फंक्शन एक्सेट्रा। तो देखो कलर चेंज होगा, कलर अब क्या होगा, रेड कलर का हो जाएगा। कंटूर कैसा होगा, स्कैलोप कंटूर होगा। तो ये सब कंडीशन देखने को मिलेगा, स्टिपलिंग एब्सेंट होंगी। फिर देखो अब क्या हुआ, जिंजाइबा इन्फ्लेम हो गया, जिंजाइबा का जिंजिवाइटिस कंडीशन बोलते हैं, ये जो गम है ये फूल जाएगा। यहां तक आपको ध्यान नहीं जाएगा, ये सच्चाई है। नॉर्मली जो आप पेशेंट हो, एज अ डॉक्टर मैं आपको समझाऊं तो ये आपको नहीं पता चलता है, आपने ध्यान नहीं दिया, लोगों को ध्यान नहीं जाता है तो ये नहीं पता चलता। और जब नहीं पता चलता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे अल्ट्रेशन होगा जिंजाइबा के माध्यम में, पॉकेट बनेगा, फिर अटैचमेंट लॉस होगा। पॉकेट किसको बोलते हैं, अटैचमेंट लॉस होता है। पॉकेट जो होता है एक ग्रूव का बनना होता है, आप कुछ चीज उसमें डालते हैं तो चला जाता है अंदर। अब वही चीज बैक्टीरिया के लिए एक रास्ता बन गया। अब मान लो कि पॉकेट बना है, कोई रास्ता बना है, टनल बना है, तो बैक्टीरिया अंदर जाएगा बोन तक, बोन को इन्फ्लेम करेगा, बोन को लॉस कराएगा, तो वही बोन लॉस या अटैचमेंट लॉस होता है। अब यहां पर देखो एज ए स्टूडेंट मैं आपको समझा दूं कि सुप्रा जिंजाइबल या सब जिंजाइबल प्लाक एक्युमुलेट हुआ है, जिंजाइबल स्वेलिंग हुई, स्वेलिंग की वजह से लॉस ऑफ स्टिपलिंग हुआ, अल्टरेशन हुआ जिंजाइबल मार्जिन में, पॉकेट फॉर्मेशन हुआ, पॉकेट फॉर्मेशन के बाद अटैचमेंट लॉस हुआ, अटैचमेंट लॉस हुआ तो जिंजाइबा का रिसेशन हुआ, जिंजाइबा नीचे गया है, रूट दिखेगा, बोन लॉस हुआ है, टूथ का मोबाइल हो जाना, दांत हिले। अब देखो जब इसको कोई सपोर्ट नहीं रहेगा तो क्या करेगा, हिलेगा ही ना, दांत हिलने लगेगा। तीन ग्रेड होता है हिलने का, एक हॉरिजॉन्टल में ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा वो सब चीज। पैथोलॉजिकल माइग्रेशन, रूट फॉर्केशन इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब देखो क्लिनिकल फीचर, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पायरिया या क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस हो गया। देखो जब भी बात करूंगा तो मैं तीन चीजें बताता हूँ, एज, सेक्स और साइट। बहुत कॉमन है एवव द एज 30 ईयर्स। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखो स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज, डिजीज पहले हो जाता है लेकिन पता नहीं चलता है पेशेंट को, तो ये बहुत टाइम के साथ पता चलता है कि अच्छा मुझे क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस हो गया, क्योंकि पेन वगैरह तो होता नहीं है आपको। उसके बाद आप ब्रश करते हो तो उस समय ब्लीडिंग होगी, उसमें से प्लाक होगा, कैलकुलस होगा, गंदी ओरल हाइजीन होगा। अब दो फैक्टर होता है, लोकल फैक्टर और सिस्टेमिक फैक्टर। लोकल फैक्टर में बात करूंगा तो डेट इज प्लाक, कैलकुलस और स्टेंस, स्मोकिंग, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले लोगों में ज्यादा होता है, टोबैको च्यूइंग करने वाले में ज्यादा, क्योंकि वो सबसे क्या होता है, जिंजाइबा इरिटेट होता है और बाद में जाकर के बैक्टीरिया वगैरह का एक्यूमुलेशन होकर के सेकेंडरी कोलोनाइज करके कोलेजन और बोन का लॉस कराते हैं, जिसकी वजह से अटैचमेंट लॉस होता है और फिर बोन का लॉस हो जाता है, दांतों में हड्डियों का वहां से जुड़ाव कम होता है। अब बात करता हूं कि कौन से लोगों में ज्यादा हो सकता है। देखो जो आदमी अपने दांतों को अच्छे से सफाई नहीं करते हो, जो पुअर ओरल हाइजीन मेंटेन करते हो, जो हफ्ते में एक बार दांत साफ करोगे, दो बार करोगे, महीनों में, 3 महीने में, तो उनमें होता है। पेशेंट जो आप हो तो आपके मुंह से गंदी बदबू आएंगे, आप ब्रश करोगे तो उससे ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग पॉजिटिव पाया जाता है ऐसे पेशेंट में। स्टिपलिंग का लॉस होता है, जो कंसिस्टेंसी होती है जिंजाइबा, जब आप दबाओगे तो यहाँ पे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, एडिमेटस लगेगा, फूला फूला सा लगेगा। आपको मान लो कि यहाँ पे फूल जाता है तो आप कैसे करते हैं, ऐसे दबाते हो तो आपको ब्लेंच करता है ना, वैसे ही वहां भी देखने को मिलेगा। उसके बाद ब्लूइश कलर का जिंजाइबा हो जाता है समटाइम्स, जिस एरिया में ज्यादा होता है इन्फेक्शन, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ब्लड का स्टिनोसिस होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। उसके बाद क्या है कि साइट कहाँ कहाँ हो सकता है, तो दांतों के आसपास के स्ट्रक्चर में ज्यादा होता है। अब देखो जो क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस है ये तीन चार तरीके का होता है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं उस पे डिफाइन किया गया है। लोकलाइज जनरलाइज एक फैक्टर है, ये तब होता है जब दांतों के नंबर पे होता है, कि मान लो कि तीन चार दांत अफेक्टेड है, less than 30% ऑफ द दांत अफेक्टेड हैं आपके, तो दैट इज कॉल्ड एज लोकलाइज पेरियोडोंटाइटिस। यदि 30% से ज्यादा दांत अफेक्टेड हो गया है, दैट इज जनरलाइज पेरियोडोंटाइटिस। अब मैं बात करता हूं एक ना क्लिनिकल अटैचमेंट लेवल की। क्लिनिकल अटैचमेंट लेवल माइल्ड मॉडरेट सीवियर की बात होती है। देखो क्लिनिकल अटैचमेंट लेवल पहले समझो, दांत होता है सी जे हो गया, मैं इसको समझाऊं, ये टूथ को मानो, ये हो गया हमारा क्राउन, ये हो गया सी जे, ठीक है, और ये हो गया रूट। जो नॉर्मल जिंजाइवा होता है इट इज 1 to 2 mm एवव द सी जे, मतलब कोरोनल टू द सी जे, क्राउन पोर्शन की तरफ होता है। लेकिन
मैं डायग्राम में आपको समझा दूंगा उस चीज को। लेकिन अब क्या हुआ कि कोई इन्फेक्शन हुआ तो पॉकेट बना है, तो जिंजाइवा के मार्जिन से बेस ऑफ द पॉकेट दैट इज कॉल्ड एज द पेरियोडोंटल पॉकेट। अब सीजे से लेकर के बेस ऑफ द पॉकेट क्लिनिकल अटैचमेंट लेवल होना चाहिए हमारा। अब हुआ क्या, जितना रिसीड कर गया है, मान लो कि अब जिंजावा क्या हुआ, सीजे से नीचे आ गया 2 mm, ठीक है, 2 mm नीचे आ गया, और तब पॉकेट है, पॉकेट तो होगा, तो पॉकेट है 3 mm का। मान लो जिंजावा के मार्जिन से बेस ऑफ द पॉकेट पॉकेट डेप्थ हो गया, तो 3 mm का पॉकेट डेप्थ, और रिसीडिंग कितना है 2 mm का, तो हमें लॉस कितना हुआ जिंजाइवा का, 2 mm का लॉस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अटैचमेंट लॉस कितना हुआ टोटल, टोटल 5 mm का अटैचमेंट लॉस हो गया। अब मान लो कि जिंजाइवल इनलार्जमेंट का केस है, तो उतना जितना जिंजाइवा सीजे के ऊपर चला गया उसको माइनस कर दोगे पॉकेट में से, तो दैट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस, ठीक है, ये कंडीशन हो गया। तो इसके बेसिस पे अब मान लो 1 से 2 mm क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस हुआ है, तो इसको माइल्ड पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। अब आप मेरी तरफ देखो और समझते जाओ, नोट्स बनाओ। 1 से 2 mm लॉस हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एज माइल्ड पेरियोडोंटाइटिस। 2 से 4 mm का लॉस हुआ है, मॉडरेट पेरियोडोंटाइटिस। एंड मोर देन 5 mm का लॉस हुआ है, दैट इज 7 mm, 8 mm, 10 mm तक, दैट इज कॉल्ड एज सीवियर पेरियोडोंटाइटिस। याद रखना, और ऐसे कंडीशन में टूथ मोबाइल होने के चांस बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा था डेट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस कंडीशन। रिस्क फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि जो पेशेंट डायबिटिक हैं उनमें ज्यादा चांस होता है, कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट में ज्यादा चांस होता है, उसके बाद जो पेशेंट एचआईवी के हैं उनमें ज्यादा चांस होता है ये होने का, जो पेशेंट ये स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, बीड़ी सिगरेट ये सब वाले पेशेंट में ज्यादा होता है, पुअर और हाइजीन मेंटेन करने वाले। अब आ जाता है हमारे पास डायग्नोसिस करने का कंडीशन, कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। देखो, डायग्नोसिस करने के लिए आपको पेशेंट बोलेगा कि सर जी मुंह से गंदे बदबू आ रहे हैं, ठीक है, फाउल ओडोर, ठीक है, ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग पॉजिटिव, क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस, बोन लॉस, और पेरियोडोंटल प्रोब डालेंगे तो हमें वहां देखने को मिलेगा, हो गया, ये कंडीशन होगा, ब्लूइश जिंजाइवा देखने को मिलेगा समटाइम। उसके बाद आपका स्टिपलिंग्स लॉस हो जाएगा, ये सब कंडीशन होता है। आप अगर पाइडिया है आपको तो आपको ये सब कंडीशन देखने को मिलेगा, आपके मुंह से गंदी बदबू आएंगी। इसके बाद लैब डायग्नोसिस, लैब में आप वहां से सैंपल लेते हो, सैंपल लेकर के भेजते हो। कभी भी याद रखना कि किसी भी पेशेंट को क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस या एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस कहने से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, उससे पूछना पड़ता है। पेशेंट आपके पास आकर के ये नहीं कहेगा कि उसको क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस है या पाइडिया है, आपको डायग्नोस करके बताना है कि आपको पाइडिया हो गया है, जिसका साइंटिफिक नेम क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस है, ठीक है। तो आप मेडिकल हिस्ट्री लोगे, क्योंकि आप सर्जरी करने का भी केस हो सकता है, तो आपको मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है उस पेशेंट का। उसके बाद आप उससे माइक्रोबियल टेस्ट के लिए भेजोगे, माइक्रोबियल टेस्ट में आपको पता चलेगा कि एनारोबिक बैक्टीरिया बहुत सारे प्रेजेंट हैं, एग्रीगेटिव बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटम, कोमिटेंस, कैंपाइलोबैक्टर रेक्टस, प्रोफाइरोमोनास, जिंजिवलिस के स्पेसीज वगैरह, इकाइनेला स्पेसीज वगैरह बहुत ही वहां पे इन्वॉल्व है। स्टडी मॉडल रेडी करोगे, पेशेंट को बोलोगे आप एक सीबीसी करा लेना, बीटी, टीसी, सीएलसी, डीएलसी एक्सेट्रा। उसके बाद आप एक ओपीजी कराओगे पेशेंट का, ऑर्थोपेंटोमोग्राम, तो उससे आपको पता चलेगा कि कितना अटैचमेंट लॉस हुआ, कितना बोन का लॉस हो रहा है वहां पे, बोन लॉस कितना है, ठीक है। उसके बाद टूथ मोबाइल है, तो अगर अब मोबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान भी होगा, फर्केशन इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान आप डिफाइन करोगे, ठीक है। तो अब ट्रीटमेंट, हिस्टोपैथोलॉजी, सॉरी हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स होंगे, बोन लॉस होगा, कोलाजन का डिस्ट्रक्शन होगा, ये सब देखने को मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू का लॉस होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह में लॉस होगा, लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल सप्लाई होगा, क्योंकि वहां पर क्या हुआ है, न्यूट्रोफिल्स आ गया है फाइट करने के लिए, तो बहुत ज्यादा पीएमएनएस होते हैं। ट्यूमर नेग्रोसिस फैक्टर अल्फा प्रेजेंट होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो एक चीज समझो कि ट्रीटमेंट प्लान आप बताते हो तो 3 फेज में ट्रीटमेंट होगा पेशेंट का। पहला होगा कि जिसमें आप सिर्फ सफाई करोगे दांतों का, दांतों का सफाई करके पेशेंट अगर स्मोकिंग करता है तो आप समझाओगे कि आप इसको छोड़ो, क्योंकि 5R5A रूल फॉलो करोगे, ए फॉर आस्क, एसेस, असिस्ट, अरेंज, ये करोगे एडवाइस, एंड देन आर फॉर रिलीवेंस, रिस्क, रिवॉर्ड एंड रीअरेंज एंड रिपीटेशन रोड ब्लॉक, ठीक है। तो ये सब कंडीशन होता है जिसमें आपको पेशेंट को समझाना पड़ता है, ठीक है, स्मोकिंग के लिए। उसके बाद आप बताओगे कि स्केलिंग और रूट प्लेनिंग करोगे, दांतों की सफाई करवाओगे, आप
अगर पेशेंट हो तो आप पहले दांतों की सफाई कराओगे अच्छे से, उसके बाद 7 दिन के बाद आप जाओगे डॉक्टर के पास। आप डॉक्टर हो तो आप बुलाओगे 7 दिन के बाद पेशेंट को। पेशेंट को बुलाने के बाद आप डिसाइड करोगे कि अब हमें सर्जरी करने की जरूरत है या नहीं है। अगर ग्रेड 3 का रिसेशन है, ग्रेड 2 का रिसेशन है, या ग्रेड 4 का रिसेशन है, क्लास के वाइज बात करो, क्लास 2 3 4 का रिसेशन है, तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी और आप रूट अपने आप कवर नहीं होता है तो आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, जो आप कवरिंग करोगे डेट विल बी सर्जिकली कवर करोगे, तो आपको उससे पहले लोकल एनेस्थेसिया के लिए पता करना होगा कि आप पेशेंट आपका कभी डेंटल विजिट गया या फिर कोई एनेस्थेसिया लगा, कोई दवा खाया पेशेंट, तो उससे एलर्जी तो नहीं है। घर पे कोई दवा तो पेशेंट नहीं ले रहा है, एंटीबायोटिक वगैरह आप दे करके भेजोगे पेशेंट को। ऐसे जनरली जो एंटीबायोटिक हम देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस हो गया आज के टाइम में, डॉक्सीसाइक्लिन या एमोक्सिसिलिन। ठीक है, उसके बाद एमोक्सिसिलिन विद द क्लैगुलेनिक एसिड 625 BD ट्वाइस अ डे। ठीक है, फॉर 7 डेज आप देकर के भेजोगे पेशेंट को, फिर आएगा पेशेंट आपको बताएगा कंडीशन। क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश लिखोगे अगर फॉलोडोर आ रहा है तो 2% फॉर द 21 डेज। ठीक है, उसके बाद आप पेशेंट को बोलोगे कि ठीक है आप आइए 7 डेज बाद, आपने सर्जरी करा फिर भेजा, आप अब बुलाओगे पेशेंट को सूचर कटिंग के लिए आफ्टर 14 डेज। फिर आप क्या करोगे, 7 डेज एंड देन 14 डेज एंड देन आप 3 मंथ के बाद पेशेंट को बुलाओगे एंड देन 6 मंथ पे फॉलो अप रखोगे पेशेंट का कैलकुलस प्लाक चेकिंग के लिए। तो ये तो था टोटल क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस के लिए कंडीशन, जिसमें आपको मैंने बताया कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर डेफिनेशन, फिर इटियोपैथोजेनेसिस, कौन कौन से बैक्टीरिया है, क्या रिस्क फैक्टर है, ये सब कंडीशन होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा डेट विल बी ऑन द टूथ माइग्रेशन, मोबिलिटी, रिसेशन, ये सब के बेसिस पे करेंगे, और हो सकता है कि पेरियोडोंटल पॉकेट के बारे में डिस्कस करें हम। थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर टूडे। आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं, हमारा ग्रुप है और वहां पे आप हमें नोट्स ले सकते हैं हमसे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इंस्टाग्राम का फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर टूडे। फेसबुक हमारा पेज है, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको जो भी नए अपडेट्स हमारे चैनल के हैं वो मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर टुडे। सुन हम अपने नोट्स, अपने बुकलेट भी हम अपना निकालने वाले हैं, एंड दैट विल बी ऑन द डिफरेंट स्मॉल स्मॉल टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फाइनल ईयर के टॉपिक्स ज्यादा इंक्लूड करूंगा, थर्ड ईयर के टॉपिक्स ज्यादा इंक्लूड करूंगा, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के टॉपिक्स से फार्मा लूंगा मैं बस। थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर टुडे। Keep watching.